त्रिपुरा में हो रहे मुस्लिम समाज पर अन्याय के विरोध में शुक्रवार को उत्तर नागपुर मुस्लिम फोरम द्वारा फारूक नगर मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान त्रिपुरा में की जा रही हिंसा की निंदा करते हुए आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। देश भर में इन दिनों त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय के साथ किए जा रहे अन्याय व अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नागपुर के फारूक नगर मैदान पर शुक्रवार को उत्तर नागपुर मुस्लिम फोरम द्वारा त्रिपुरा की घटना की निंदा की गई। मुस्लिम समुदाय ने इस दौरान दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कर मुस्लिम समाज को न्याय देने की मांग करते हुए अपने विचार बीकेबी न्यूज के साथ साझा किए। उत्तर नागपुर मुस्लिम फोरम के तत्वाधान में विगत कई दिनों से हो रही त्रिपुरा में मुस्लिम धर्म पर कट्टरवादी संगठनों द्वारा की जा रही हिंसा के विरोध में और शांति दूत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए, जो कि सिर्फ मुस्लिम धर्म के नहीं सारी इंसानियत के पैगंबर हैं, उनकी शान में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा किया गया, उसके विरोध में आज उत्तर नागपुर मुस्लिम फोरम के द्वारा एक विशाल विरोध प्रदर्शन फारूक नगर के ऐतिहासिक शाहीन बाग मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें विविध क्षेत्र में रहने वाले हमारे तमाम मुस्लिम धर्म गुरु, हमारे इंटेलेक्चुअल्स सबकी सहभागिता के साथ इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाया गया। आज जो ये प्रोटेस्ट का कार्यक्रम यहाँ पर फारूक नगर मैदान में रखा गया है, इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ एक है, जिन लोगों ने त्रिपुरा में जो ये घटना की, मुसलमानों के साथ में जुल्म सितम और अत्याचार किया है, हमारा मकसद ये है कि उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों को अंदर किया जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने ये जो वाहियाताना काम किया है, जो मुसलमानों की मस्जिदों को जलाया है, मुसलमानों के घरों को जलाया है, मुसलमानों के ऊपर में जुल्म सितम और अत्याचार किया है, हमारी मुकद्दस किताब जिसे हम कुरान शरीफ कहते हैं, उस मुकद्दस किताब जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, उस मुकद्दस किताब को जलाया है, इसकी हम सरेआम निंदा करते हैं। और ऐसे संगठन को, जो संगठन जैसे आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है और भी जो असामाजिक तत्व के संगठन है, मैं ऐसे संगठन को आतंकवादी संगठन कहूँगा, जो हमारे मुल्क की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं।